तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अपडेट। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस सेगमेंट में आज हम जिक्र करेंगे कांग्रेस की हार की मुख्य वजह के 10 ऐसे कारण। ऐसे कौन से 10 कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस के टेक्निकल मैन चेयरमैन तक का सफर तय नहीं कर पाए। पहले दिन से INLD के टेक टेक की हवा के सामने रुख बदलने में कांग्रेस ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, मगर कोर बाकी नहीं बची है। कांग्रेस अपने कोर वोटर तक अपनी पहुंच बनाने में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई। ऐसे कौन से मुख्य कारण है जिस वजह से विनोद बंसल हर तरीके से परिपक्व होते हुए, सिलेक्शन में कमी नहीं थी कांग्रेस की तरफ से, उस चेहरे में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पीछे रह गई। सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की जो इस चुनाव में हार का मुख्य कारण बनी, वो बनी उम्मीदवार के नाम के ऐलान में हुई देरी। अगर कांग्रेस 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले अपने चेहरे का ऐलान करती तो शायद वो चेहरा लोगों तक ग्राउंड जमीन यानी कि ग्राउंड स्तर पर अपनी जमीन को कामयाब करता और वो लोगों तक पहुंच सकता था। कांग्रेस ऐन वक्त पर भी अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पाई और चुपचाप कांग्रेस ने सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करके ही लोगों को ये बताया कि उनका कैंडिडेट विनोद बंसल है। आखिर कांग्रेस हाईकमान इस देरी में क्या बढ़ाई सोच रही थी, ये आज हार के बाद मंथन होगा। सबसे बड़ा दूसरा कारण, कांग्रेस अपना प्रचार ही नहीं कर पाई है। 21 वार्डों में अपने MC उतार कर मैदान में उतरी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ MC जिताने तक सीमित रही, बल्कि बस को वो भूल गई। ऐसे में विनोद बंसल का जो वार्ड स्तर पर जाकर प्रचार होना चाहिए था वो प्रचार नहीं हो पाया। यानी कि एक और बड़ा कारण है, हर एक पार्षद ने अपना ही अराग अलापा यानी अपने ही वार्ड में सिर्फ अपने लिए वोट मांगे और ऊपरी वोट का साठ गांठ का जो खेल निचले वोट को लेने के लिए हुआ वो सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस के लिए बना। इस पूरे चुनाव में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस चेयरमैन का चुनाव ना लड़कर वो सिर्फ और सिर्फ पार्षदों का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये हार के सबसे बड़े कारण बने। इसके बाद एक मुख्य जो आता है वो कारण आता है टिकट ना मिलने के बाद नाराज नेताओं के भितरघात की आशंका, जो आपने बहुत अच्छे से देखा उन्हीं नेताओं ने पोस्ट करके जो लोग दावा जता रहे थे टिकट का लेकिन ना टिकट उनको मिला तो उन्होंने कुछ अलग ही तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसका फैक्टर भी सामने आया। एक और बड़ा कारण है युवा टीम का, संगठन का, शहरी इकाई का दवाली में सिर्फ MC पर जोर, अपने अपने वार्ड में जोर लगाना और विनोद बंसल को दरकिनार करना। भले ही कांग्रेस इस बात को दावा जता रही हो कि हमने प्रचार किया, लेकिन ये चर्चा है और ये हमने भी देखा है कि उनका उस लेवल पर प्रचार नहीं हो पाया जो पार्षदों को निभाना चाहिए था। यानी कि विनोद बंसल के चुनाव चिन्ह की सामग्री पार्षदों के पास थी ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार को लेकर चुनाव चिन्ह लोगों को प्रदर्शित किया जा रहा था। एक और सबसे बड़ा कारण जिस वजह से कांग्रेस का ये बुरा हाल हुआ वो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पर ना लड़ना, क्योंकि उसका कोर वोटर्स, उसका पैट वोटर्स जो इतने सालों से हमेशा पंजे पर मोहर लगाता आया है वो पूर्ण तरीके से असफल रहा इस बात को समझने में आखिर बस कार और छतरी के खेल में चुनना किसको है। INLD को इसका फायदा मिला कि उसने अपने एक ही निशाने पर एक ही धैर्य रखा कि वो सिर्फ चश्मे को आधार मानकर चली और उसने मंजिल पा ली। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह से भटक जाना, चुनाव सिंबल पर ना लड़ना, ये कांग्रेस को ले डूबा है। वहीं पर गुटबाजी भी कोई पीछे नहीं रही है। कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी देखी गई है, जिसमें आप कह सकते हैं कि नेतृत्व की कमी जरूर रही है।
वहीं पर कैंडिडेट विनोद बंसल को कांग्रेस इंटरनल तौर पर सपोर्ट नहीं कर पाई है। ये इंटरनल शब्द ही हम बोलेंगे, आपको खुद समझना होगा कांग्रेस कहां खता खा गई। वहीं पर कांग्रेस समर्थित जो सबसे बड़ा दाग कांग्रेस अपने ऊपर लगा नहीं धो पाई शहर में, और उसका विपक्ष ने जमकर इस्तेमाल किया। हर चुनाव, हर वार्ड में चुनाव के दौरान इस बात को बताया गया जो कांग्रेस को ले बैठा, वो था कांग्रेस द्वारा खुद ही दो टर्म में अपनी हाउस की सरकार को गिरा देना और उसके बाद बाउंड हो जाना कि काम नहीं हो पाए। करोड़ों रुपए आज भी नगर परिषद के खाते में इसलिए रह गए कि सरकार खुद नहीं चल पाई है। उनके पार्षदों ने, उनके चेयरमैनों ने आकर खुद मीडिया के सामने बताया कि उनके साथ होता क्या रहा है। खैर, उन आरोपों में सच्चाई थी या नहीं, ये अब दौर चला गया। लेकिन कांग्रेस अब इस बात पर मंथन जरूर कर रही है कि आखिर अगर इन बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद नैया पार लग सकती थी। वहीं पर सबसे बड़ा अगर कांग्रेस के लिए ड्रॉबैक रहा तो वार्ड 5, 4, 8, 9, 10 और 11 जहां से कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार वोट मिला ही नहीं, यानी कि इन वार्डों ने कांग्रेस को धोकर रख दिया और यही लीड INLD के साथ जो जुड़ी वो कभी भी कांग्रेस को ऊपर आने के लिए क्लिक ही नहीं कर पाई। यानी कि कांग्रेस पहले से ही दब गई। पहले राउंड में लीड आने के बाद INLD ने कांग्रेस को उठने तक का मौका नहीं दिया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन अब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी, मंथन करेगी, इन कमियों के ऊपर चर्चा होगी। लेकिन टेक्निकल मैन का जो सपना था, जिस सपने पर कांग्रेस खेलना चाहती थी, वो उन्हीं की टीम, उन्हीं का संगठन उनका साथ नहीं दे पाया है। यानी बस में बैठने को सवार कार के लोग तैयार ही नहीं थे। सीधे तौर पर यही बातें हैं जो कांग्रेस को आज विचारनी होगी। कांग्रेस को उन पर मंथन करना होगा, कांग्रेस को उन पर जाकर ये विचार करना होगा अगर वो कांग्रेस 2024 के मिशन पर चलना चाहती है। क्या ये खतरे की घंटी नहीं है कांग्रेस के लिए कि उसने आने वाले चुनावों में अपनी शहर से जमीन भी अब खत्म कर ली है। खैर, ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। राजनीति में कुछ परमानेंट नहीं है, राजनीति में कुछ स्थिर नहीं है। राजनीति समय के साथ बनती है, राजनीति मुद्दों के साथ, हालातों के साथ लड़ी जाती है। राजनीति का मैदान समझ से बाहर है, लेकिन जनता ने अपना काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए आज फिर से मंथन का दौर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय भी जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा।